लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार नामांकन के लिए पहुंचे। चार प्रस्तावकों के साथ छत्रपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कराया। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने कहा कि भाजपा बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। भाजपा इस बार 400 पार रहेगी। सपा का जो प्रत्याशी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन उनका प्रत्याशी है। भाजपा एक इतिहास रचेगी। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कहा कि जनता मोदी योगी की जनकल्याण नीतियों से प्रभावित है। छत्रपाल चुनाव जीतकर दिल्ली जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतेगी बहुत बड़े अंतर के साथ। और अभी हमारा घोषणा पत्र हमारी प्रेस वार्ता है, उसमें बताएंगे। हमारी प्रेस वार्ता अभी होने वाली है, उसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री हैं, वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं और वहीं पर ही इस विषय पर वार्ता होगी। किससे मुकाबला है आपका? अभी तो कोई टक्कर पे है नहीं, कोई सामने आया नहीं, कोई अभी तक का कुछ पता नहीं है। समाजवादी का तो ऐसा चल रहा पता कि अभी कोई टिकट का पता ही नहीं है कि टिकट है किसका। आखिर अब की बार 400 पार में बरेली की भी भूमिका होगी? बिल्कुल, बरेली तो पहले से ही स्थायी भूमिका है जी। और बाकी तो इस बार तो और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी की कृपा बनी हुई है, इसलिए बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने वाली। एक तरफा जीत है, आज नॉमिनेशन है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है। जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद लेकर हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बरेली नंबर एक पर जीतेंगे। क्या है उसके पीछे कारण है? गरीब कल्याण योजना है। पहली बार आजादी के बाद इस पर करोड़ों लोगों को पक्का मकान अपना है, शौचालय अपना है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड अपना है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, इज्जत घर है लोगों का, और कोरोना में वैश्विक महामारी में फ्री में अन्न वितरण, और वह भी आज आगे भी 5 साल चलता रहेगा। एक गरीब के लिए भोजन, पहले आप देखते थे 14 के पहले और 17 के पहले लोग आत्महत्या करते थे, बुंदेलखंड से लेकर हर जगह किसान आत्महत्या। आज 14 के बाद 17 के उत्तर प्रदेश में आज एक भी आत्महत्या नहीं करता भूख से, न भूख से सोता है कोई। तो आज सभी के लिए और घर घर नल का कनेक्शन, जिस बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आया नल का, इसलिए जनता जनार्दन अपना मन बना चुका है, मन बनाकर वो बैठे हुए हैं, आदरणीय मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी की गारंटी है।